मेरे बड़े भाई आदरणीय जनता शक्ति आकाश से मैं कहता हूं कि आपने सुबह के नहीं मिले विचार तो ये काम कर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत भूत सदगुरु रविदास जी महाराज भगवान वाल्मीकि महाराज गुरु नानक देव संत कवि ज्योतिबा फूले पैरियर साहब बिरसा मुंडा जननायक कपूरी ठाकुर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा शहीद उधम सिंह शहीद भगत सिंह मेरे रहबर मेरे आदर साहब काशीराम और उनको मिशन में आने वाले माननीय दीना भाई दीना भाना वाल्मीकि जी को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा। दो अप्रैल ऐतिहासिक दिन, जैसे मेरा छोटा भाई अभी बता रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और 2018 दो अप्रैल तक ऐसा कोई आंदोलन इतिहास में नहीं हुआ। हमने राजनीतिक दलों के आंदोलन सुने थे जिन्होंने महंगाई को लेकर भ्रष्टाचार को लेकर भारत बंद बुलाया, लेकिन अपने डंडे के बल पे अपने दम पे पहली बार हमने देखा कि भारत बंद होता। और भारत बंद उन लोगों ने किया जिन लोगों को ये कहा जाता है कि ये हमारा घास काटने वाले लोग, ये हमारे गोबर उठाने वाले लोग, ये हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, ये हमारे जूते साफ करने वाले जूते बनाने वाले लोग, ये हमारे गाय को चराने वाले लोग भारत बंद करेंगे। तो 11 बजे तक पूरे देश में मजाक बन रही थी, बताओ ये भी भारत बंद करेंगे। लेकिन जब 12 बजे के बाद इधर देखो एक ही खबर आई कि बंद 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 बंद, और 2-3 बजे पता लगा कि पूरा भारत ही बंद हो गया, तो लोगों को पता लगा कि जिंदा कौम जो है आज भी इस देश में और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। मुझे गर्व है इस कौम पे, इस समाज पे, बहुजन समाज पे कि इन्होंने अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ के दिखाई। जो लोग शहीद हुए वो तो अमर हुए, उनके जो परिवार हैं वो भी समाज में जो है एक बहुत मजबूत स्तंभ उन्होंने काबिज कर दिया। जैसा मैंने कल बताया कि एक परिवार ने भी ये नहीं कहा कि यार हमारा बच्चा भी संगठन के काम में या आंदोलन में चला गया, सबने कहा कि हमारा बच्चा शहीद हुआ और एक के साथ दूसरे बच्चे को भी हम समाज के लिए शहीद देने के लिए दे देंगे। लेकिन हम मिशन रुकना नहीं चाहिए, हम अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ते रहना चाहिए। तो मुझे एक और बार गर्व हुआ कि यहाँ बलिदानियों की बड़ी कद्र होती, यहाँ त्याग करने वालों की बड़ी कद्र होती। मैं जो कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले 20 मिनट जितने साथी यहां पंडाल में मौजूद हैं वो मेरे द्वारा कही गई एक बात को सुने, और अगर उन्हें लगता है कि इनका भाई कुछ कह रहा है और ये जरूरी है होना तो उस पर अमल करें। जैसा मेरे भाई ने अभी बताया और आप सब लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल को हमने भारत बंद किया, वो लोग कहां से आए जिन्होंने भारत बंद किया? क्या किसी के द्वारा भेजे गए थे या उनको कोई पीड़ थी? वो लोग थे जो इस देश में मन बना चुके हैं कि अब अपने हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जब हम भारत बंद कर सकते हैं तो क्या हम भारत चला नहीं सकते? अगर हम भारत बंद कर सकते हैं तो हाथ उठा के बताओ क्या हम भारत चला नहीं सकते? चला सकते नहीं चला सकते? आवाज नहीं आ रही। क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। तो जो लोग भारत को चला सकते हैं आज भी वो दूसरों के
मेहरबानियों पे हाथ पसारे ऐसे खड़े हुए कि सरकार हमें कुछ दे दे, सरकार हमें कुछ दे दे, सरकार हमें कुछ दे दे, यार मेरी समझ में एक बात नहीं आती। जो खुद देने वाले हैं, जो खुद बहुजन समाज है, 80% लोग हैं, बहुजन समाज का इतना बड़ा तबका है, इतनी आबादी है, इतने संसाधन है, वो आज भी देश में क्यों मांग रहे हैं? नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, शिक्षा दे दो, मकान दे दो, जमीन दे दो। अरे मालिक तो तुम हो और मांग दूसरे तरफ, ये कहां का न्याय है? ये कौन सा किया? आपको समझना पड़ेगा, बाबा साहब ने शिक्षा एक हथियार दिया और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा उधार लेगा, और उन्होंने ये साबित होकर करके दिखाया। इस देश में संविधान लिखने के लिए लाखों लोगों की आबादी थी, क्या कोई लिख पाया? कोई किसके पास आना पड़ा वापस? जब यहां से नेहरू और उनकी टीम ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई और लंदन जाकर उन्होंने कहा कि साहब हमारा संविधान लिख दो, तो उन्होंने कहा मूर्खो, तुम पे तो एक ऐसा महाविद्वान है कि वो तो हमारे यहाँ का संविधान दोबारा लिख दो, तुम हमारे पास फिर जा घूम रहे हो, जाओ बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाओ और वो तुम्हारा संविधान बहुत कम समय में लिख देगा। तो मैं तुम्हें इतना बता देना चाह रहा हूँ कि बार बार तुम्हें आके जगाते हैं लोग, बाबा साहब ने जगाया, ज्योतिबा फूले ने जगाया, पैरियर साहब ने जगाया, नारायण गुरु ने जगाया और हमारे रहबर साहब काशीराम ने जगाया, लेकिन इतने जगाने के बावजूद और तुम लोग जाग भी गए हो, फिर कहना कि कुछ कमी रह गई। हम लोग जो सपना बाबा साहब ने देखा था कि बहुजन समाज देश का शासक बने, बहुजन समाज का झंडा दिल्ली की गलती से लहरा जाए, तो 72 साल की आजादी के बाद भी अगर वो झंडा नहीं लहरा रहा है तो उसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि मैं आपकी सब सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा और आपकी शारीरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए बैठा हूं। तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं ये लोग उनका दोस्त होता, मेरा दोस्त है, लेकिन मैं एक वादा करने के लिए आ रहा हूं कि इस बार का तो मुझे पता नहीं, मेरी पूरी हिम्मत है, पूरी मेहनत है, पूरा संघर्ष है कि बहुजन समाज का झंडा दिल्ली की गद्दी पर लहरा जाए, लेकिन अगर कोई चूक रहेगी और मैं जिंदा रहा तो जवाब देता हूं कि 2024 में तुम्हारा झंडा किसी के पाप में जब भी तो दिल्ली गद्दी पर राजस्थान में आया, राजस्थान क्रांति दरा है। अब ये कारण क्या है ये तुम्हें समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ यूपी में कहावत है कि चोर को ना मारो, चोर की मां को मारो। समस्या कहाँ है उस समस्या को खोलो और उस समस्या खत्म कर दो, तो मेरे हिसाब से दोबारा ना समस्या पैदा होगी और ना तुम लोग गुलाम बनोगे। पहले एक लाइन में जवाब दे दो, क्या गुलाम बन के मरना पसंद करोगे? मैं तुम्हें कहावत सुनाता हूं, एक सर छोटू राम हुए जाट समाज में, बड़े गौर से सुन रहा हूं, ओबीसी समाज के लोग भी हमारे बीच बैठे हुए। सर छोटू राम और उनके साथी एक जाट भाई की शादी में चले गए और वो गांव जो है वो ब्राह्मण का गांव था, जाट भी रहते थे, तो गलती से पालकी लेके दूल्हे के लिए और दूल्हे को पालकी में बिठा के कुछ दूर कि भाई हमारा सम्मान है, दूल्हा जब से बरात में आया तो ले चले। ये बात पूरे हिम्मत से कह रहा हूं, जिसको बुरा लगे लगे, जिसको कोई और कार्रवाई करवानी करवाए, सच कहने का तब डरता है, चंद्रशेखर तो कहेगा। ये बात ब्राह्मणों को बड़ी नागवार गुजरी, क्योंकि उस समय संविधान नहीं था, गैर बराबरी थी, तो जब ये उन्हें नागवार गुजरी तो उन्होंने कहा पंचायत कर ली गांव में कि सारे बराबरियों को 5-5 जूते लगेंगे। इन्होंने ये ऐसा कैसे किया, इनकी हिम्मत कैसे हुई जाटों की कि भाई ये दूल्हे को ऐसे घोड़ी में सम्मान से लेके आ रहे हैं, तो 5-5 जूते तो खा गए, लेकिन जब वापस लौटे तो सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन सर छोटू राम ऐसे परेशान से बैठे हुए। तो कुछ लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो सर छोटू राम ने एक बात कही, बड़े गौर से सुना, ये बताओ जूते खा के मरना पसंद करोगे लड़के मरना पसंद करोगे? ये सवाल सर छोटू राम ने अपने लोगों से पूछा।
कि जूते खा के मरना पसंद करोगे या लड़के मरना पसंद करोगे? तो उनके लोगों ने कहा यार मरना तो है ही, आज नहीं तो कल सबको मरना है, तो जूते खा के क्यों मरें? तो उन्होंने कहा कमर कस लो, अब हम जूता नहीं खाएंगे, अब अगर कोई हमारे समाज का मान सम्मान अपमान स्वाभिमान का छेड़खानी करेंगे तो उसका इलाज कर देंगे। ये कहने के लिए मैं तुम्हें आया हूँ कि अगर तुम्हें कोई घोड़ी से लोग ना काम करे, पूछे रखने में सदा ने काम करे या तुम्हारे लोगों में जुल जाति करे तो जालिम के आगे चुप रह के उनका हौसला मत बढ़ाना। एक बार मिले जिंदगी, अगर कोई तुम्हारे स्वाभिमान सम्मान में बाधा उत्पन्न करे तो उसका ऐसा इलाज करना उसकी पीढ़ियों को भी याद रख करे, उसकी पीढ़ियों को भी याद रखे इसका मुकाबला हुआ। ये संविधान हमें आजादी देता है और ये संविधान हमें सेल्फ डिफेंस की भी आजादी देता है कि अगर कोई हमारा अपमान करे, हमें मारने पीटने की कोशिश करे तो उसका इलाज करे। तो पहले जिन लोगों ने मिशन मूवमेंट चलानी है पहले वो सैनिक बने। कोई भी संगठन तब तक नहीं चलेगा जब तक उसमें अनुशासन नहीं होगा, और जब आप में अनुशासन आ जाएगा तो मैं लिख के देता हूँ सफलता निश्चित मिलेगी। और ये भी जान लो कि बाबा साहब ने तुम्हें गीता पढ़ने के लिए नहीं कहा, बाबा साहब ने तुम्हें एकमात्र ग्रंथ दिया है। अगर सम्मान स्वाभिमान अधिकारों की लड़ाई को लड़ना चाहते हो तो इस देश में लिखे गए संविधान को पूर्ण रूप से पढ़ो। बाबा साहब ने जो नारा दिया ना कि शिक्षित बनो, वो शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं है कि बेसिक नॉलेज ले लो, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके घर लड़ जाओ। उन्होंने कहा कि संविधान को पढ़ो और अपने हक अधिकार को जान लो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हक अधिकार जान जाता है तो उसके हक अधिकार को छीन नहीं सकता। मैं नौजवान साथियों को इतना ही कहना आया हूं, अगर चाहते हो सम्मान का जीवन जीना और इस देश में अपने हक अधिकार को लेना तो भैया संविधान को पढ़ो। संविधान तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए लिखा है, तुम्हारे डीएनए में है, तो तुम्हारे दिमाग में भी होना चाहिए। जब कोई अधिकारी कर्मचारी तुम्हें बताए और तुम पे जुल्म जाति कर तुझे बताना कि तुम अगर आज नौकरी कर रहे हो तो बाबा साहब के संविधान की वजह से कर रहे हो और तुम जनता के नौकर हो, मालिक नहीं हो, सरकार के एजेंट कड़ी करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यह इतना कहने के लिए आया हूं कि 2 अप्रैल को हमने आंदोलन किया, बहुजन समाज ने बलिदान दिया और अपने अधिकारों को सुरक्षित किया। फिर जातिवादी जगत द्वारा 13 पॉइंट को अस्टर लागू कर दिया गया। फिर हमारे लोगों ने SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने जब शिक्षा के दरवाजे बंद करने का काम ये लोग सरकार ने न्यायपालिका के माध्यम से किया तो हमारे लोगों ने फिर भारत बंद बुलाया। 5 मार्च को भारत बंद करके दोबारा से अध्यादेश जाने के लिए सरकार को मजबूर किया। तो मेरी समझ में एक बात आ गई पूर्ण रूप से, ये सरकार हमारी एकता से डरती है। तो मैं राजस्थान में कहने के लिए आया हूं मेरे साथियों कि चुनाव खत्म हो जाएगा, लोग अपने घर चले जाएंगे, राजनेता अपने घर बैठ जाएंगे, लेकिन आपको घर में ही बैठना। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा मई में तो जून में मैं यहाँ कम से कम 2 दिन के लिए आऊंगा और पूरी टीम को मिला के कैडर करूंगा और 15 दिन का समय रखूंगा। हम अपने अधिकारों को लेना जानते हैं। जो ये कह रहे हैं कि सरकार की दया पर मुकदमे वापस हो जाए तो मैं आपको ये बताने आया हूँ, सरकार आप लोग बनाते हैं, आप लोग वोट देंगे क्योंकि 85% वोट आपके पास है, सरकार आप बनाते हैं। सरकार के गले में हाथ डाल के और ये मुकदमे वापस करवाने के लिए हम लोग जो है जून में आंदोलन करेंगे और राजस्थान को 1-1,50 बार बंद कर देंगे अगर हमारे मुकदमे वापस नहीं हुए। आपको हौसला करना पड़ेगा, आपको ताकत दिखानी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि देश हमसे है, हम ही देश के शासक है। मैंने अपने घरों में लिखवाया, भीम आर्मी के माध्यम से कहलवाया कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो हमें इस देश का शासक बनना है। उस सपने को रोज देखो, अपने घरों में, अपने मकानों में, अपने फोन पे, अपनी किताबों में सब जगह लिख दो कि हमें देश का शासक बनना है और उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। क्या हमारे मान स्वाभिमान सम्मान से बढ़कर भी कोई चीज हो सकती है? क्या सम्मान से बढ़कर कोई चीज हो सकती है? अगर सम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं तो सम्मान की कीमत नहीं हो सकती है। तो मैं यहां इतना बता देने के लिए आया कि मैं एजेंट हूं, लेकिन बाबा साहब मैं एजेंट हूं साहब तीरा बारा वाल्मीकि का और मैं एजेंट हूं अपने लेबर साहब का श्रीराम का। और जब तक जिंदा हूं बहुजन मिशन में जुड़ूंगा, बहुजन मिशन में मरूंगा, बहुजन समाज का बाबा साहब साहब का श्रीराम का सपना पूरा करने के लिए एक दिन नहीं 1-1 घंटा 1 मिनट लगा दूंगा, लेकिन चुपचाप नहीं बैठूंगा क्योंकि बाबा साहब ने हमें कहा साहब
रुपए नहीं देते। अब ये मुझे बताओ क्या तुम लोग मुर्दा हो जिंदा हो? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग जिंदा है। तो जिंदा हो तो अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करो, आप संगठन और मूवमेंट कर कुछ बातें हो जाए। मातृशक्ति यहां बैठी, मेरी बहनें यहां बैठी, जब तक इनको बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी कोई भी मूवमेंट नहीं चल सकती। आपको इनकी ताकत को समझना पड़ेगा, हम इनसे पैदा हुए, अगर हमारे रगों में जो खून बहता है इनके दूध के रूप में हमने पिया, तो मां बहनों का सम्मान करो, उनको आगे बढ़ाओ, बहन अगर पढ़ना चाहते उनको पढ़ाओ, और अगर जब तक जी रहे हो इस एहसान को मत भूलो। तुम चाहे कितने मजबूत हो जाओ, कितने बड़े हो जाओ, चाहे डीएम एसएसपी कमिश्नर एसडीएम कुछ ही बन जाओ, लेकिन रहोगे बेटे ही मां के, तो मां का सम्मान करना सीखो, बाप का सम्मान करना सीखो। ये समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने महापुरुषों का सम्मान करना सीखो और चित्र के साथ चरित्र को पकड़ो। जो बाबा साहब साहब का श्रीराम और हमारे सारे रहबर रह गए उसको पकड़ो, उस लाइन पे चलो, मिशन पे चलो। साहब काशीराम ने जो आंदोलन हम साहब काशीराम चलाते थे, मैं लोगों से पूछ लेता हूँ तो बड़ी बहकी बहकी से बातें करते हैं। मैं पूछता हूँ साहब कौन सा आंदोलन चलाते थे? कोई कहता है प्रधानमंत्री बनने का, कोई कहता है मुख्यमंत्री बनने का, कोई कहता है एकजुट करने का। तो मैं नौजवानों को बताने के लिए आया, साहब काशीराम सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का एक आंदोलन चलाते थे। वो एक जानते थे कि बिना जब तक सत्ता तो परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, जब तक गैर बराबरी रहेगी, जब तक अधिकार बराबर नहीं होंगे, जब तक समता समानता नहीं मिलेगी, जब तक बंधुत्व नहीं लागू होगा, तब तक इस देश में हमारा भला नहीं हो सकता। तो साहब काशीराम सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन चलाते थे और उसके साथ आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाते थे। उनका मानना है था कि कमजोर ताकतवर में कभी बराबरी नहीं होती, कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता, तो पहले हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। तो उस मिशन से जुड़ी हुई कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ, फिर दोबारा मुलाकात होगी। आज सब कुछ कह दूंगा तो तुम्हारे याद ही नहीं रहेगा कि भैया क्या कह गए, बड़े गौर से सुनना। सामाजिक परिवर्तन के सामने पांच सूत्र दिए। पहला, आत्म सम्मान के लिए संघर्ष करो। क्या दिया पहला? क्या दिया पहला? ये कान तक आवाज आनी चाहिए वरना माइक बंद करो। आत्म सम्मान के लिए संघर्ष करो। मैं चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में छप जाए कि बाबा साहब और साहब का श्रीराम क्या चाहते थे, उनका सपना क्या है, कि आत्म सम्मान के लिए संघर्ष करो, स्वाधीनता के लिए संघर्ष करो। क्या चाहते थे साहब? समानता के लिए संघर्ष करो। क्या चाहते थे साहब? और बिखरे हुए समाज में भाईचारा स्थापित करने के लिए और जातिवाद खत्म करने के लिए संघर्ष करो। क्या चाहते थे साहब? बिखरे हुए समाज में भाईचारा स्थापित करना और जाति को खत्म करना, क्योंकि वो ये समझ गए थे कि अगर इस देश में विनाश की कोई जड़ है और हम लोग कमजोर हैं, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जाति, में जाति को खत्म करना पड़ेगा। और पांचवा और सबसे जरूरी, अस्पृश्यता, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करना, ये साहब काशीराम का पांच सूत्री कार्यक्रम था, जो अपने आप में मिशन लिया। और बहुत बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, जब मैं पूछता हूं तो कहते हैं ये तो हमें पता ही नहीं था। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, बस खत्म। मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूं, लेकिन एक अच्छा टीचर हूं, जो ये कहता हूं तुम्हें ज्ञान का सागर हूं, कभी बैठ कर मैं बताऊंगा। मैं 16 महीने जेल काट गया और एक एक दिन मैंने एक रात ये समझ लिया, याद करने काटी, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं अपने समाज को तैयार करूंगा और वो मिशन पेश करूंगा। इतिहास लिखूंगा बाबा साहब हमें कह के गए कि जो कौन अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं लिख सकती। तो मैं ज्ञान लिखूंगा, यह साबित करके रहूंगा कि हम गुलाम पैदा हुए थे, लेकिन हम गुलाम अरे नहीं। तो मेरी छोटी सी बात कहानी सी है कि मैं यहां आया, मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि मैं अपने समाज को आगे बढ़ता देखना चाहता हूं। मैं अपने समाज को जो हक अधिकार संविधान मिले वो चाहता हूं कि उनको मिल जाए, और उसके लिए मैं पुरजोर संघर्ष करूंगा। और कोई मेरे ऊपर कितने आरोप लगा ले मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनकी मजबूरी हो सकती है। मैं एजेंट हूं बाबा साहब का, साहब काजीराम का, अपने समाज का। मैं एक कहानी तुम्हें बता देता हूं, पुराने लोग जानते होंगे, साहब इंटरव्यू में बैठे थे आपकी अदालत में, कभी सुनना अभी भी है इंटरव्यू,
आपके अदालत में साहब इंटरव्यू में बैठे हुए थे, तो आपके अदालत के एंकर ने पूछा कि आप काशीराम जी बताओ, आप कभी बीजेपी से समझौता करते हो, कभी कांग्रेस से करते हो, कभी किसी और से करते हो, अब किससे समझौता करोगे? तो साहब ने कहा कि कोई और दल बच रहा तो मुझे बता देना, उससे समझौता कर लूंगा, लेकिन जिस जिस काम से मेरे समाज का भला होगा मैं जरूर करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, मैं अपने समाज के लिए बनाऊ तो अपने समाज के भले के लिए सारे काम करूंगा। तो साहब काशीराम ने मुझे सिखाया कि चाहे रास्ता कोई भी हो लेकिन अपने लोगों का भला होना चाहिए। तो बड़े गौर से जान लो कि देश का संविधान ही तुम्हारा वजूद है, इस बार तुम्हारे संविधान खतरा है, तो संविधान विरोधी ताकतों को भाजपा को मिट्टी में मिला दो, दफन कर दो, एक 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 सीट में जो है उनकी जमानत से जब तक आगे बता दो कि अब हम सांप्रदायिक ताकतों को, संघ की ताकतों को, संघ की नीति को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर ऐसा करने में तुम विफल रहे तो याद रखना कि वो दिन दूर नहीं जब गले में हांडिया और कमर में पंटे बदले देर नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये माइक यहाँ सजा हुआ, किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कुर्सियां यहाँ लगी है, बहने यहाँ सम्मान से बैठी है, और अगर आप अधिकारी कर्मचारी, अगर आप एमपी और एमएलए बन रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है और संविधान की देन है, जिस संविधान में आपको अधिकार मिले, तो इस संविधान की सुरक्षा करना भी आप लोग की जिम्मेदारी है। तो आप झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है, और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून जिनका जिसम मिशन के काम आता, पवन भाई को और पूरे सभी क्रांतिकारियों को मेरा निरा सलाम और जय भीम। मैं कुछ शायरियां भी कहता हूं, राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, हम अंबेडकर वादियों से जो उलझेगा फना हो जाएगा, हम दरिया है हमें मालूम है उन्हें रुकना अपना, जिस ओर चल निकलेंगे रास्ता हो जाएगा, हमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब के बच्चे अपने रास्ते को भी जानते हैं, अधिकारों को भी जानते हैं, स्वाभिमान संघर्ष को भी जानते हैं, और हमारे लोगों ने क्या करके, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मिशन चले तो त्याग करना सीखिए, सबसे पहले बाबा साहब के तीन नारे थे, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करें, के साथ एक नारा और जोड़िए कि स्वाभिमानी बनिए, अपने स्वाभिमान किसी भी कीमत पर बिकने मत दीजिए, अगर टूटने वाला होता बिकने वाला तो चंद्रशेखर तो जेल में बिक जाता, 16 महीने जैसे मैंने गुजारे, मैं जानता हूं इस सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि ना तुम्हारी राजसभा से डरता हूं ना तुम्हारे मुकदमे डरता हूं, आज भी 57 मुकदमे लेके फिर भी पूरे जोर से लड़ता हूं, और ना तुम्हारी फांसी से डरूंगा, तुम पे जो कुछ दबाव दिया जाता है अंबेडकर वादो को देख के देखो, तुम्हें जवाब भी देंगे और इनका जवाब पत्थर देना जानते नहीं हम लोग, लेकिन ये जान लो कि मैं अकेला में लड़ाई को नहीं लड़ सकता हूं, मुझे आप लोगों की जरूरत है। जब बाबा साहब चिल्ला रहे थे, बाबा साहब बार बार ये कह रहे थे एकजुट हो जाओ अपने अधिकारों को ले लो, तो आप लोग थोड़ी देर पीछे रहे, सहयोग नहीं कर पाए, तो बाबा साहब सफल नहीं हो पाए। फिर साहब का श्रीराम, ये तो राजस्थान है, मैं छत्तीसगढ़ गया तो उन्होंने बताया मुझे कि कोई गली कोई घर ऐसा नहीं जहां साहब का श्रीराम ना गुजरे हो, जाओ ना बैठे। तो हमारे रायगढ़ ने बहुत बहुत संघर्ष किया, 13 साल के संघर्ष में बहुजन समाज पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दी, मनुवादियों के बीच में अपना झंडा डंडा दोनों गाड़ दिए। आज मैं नौजवान से कहना चाहता हूं एक बार फिर आपके समय पूरी ईमानदारी भीम आर्मी साहब के सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को लड़ रही है, इसमें नौजवानों की मदद कीजिए, अपने भाइयों की मदद कीजिए, उनको ऊर्जा दीजिए, उनकी आर्थिक मदद कीजिए, जिससे कि इस लड़ाई को बहुत मजबूत लड़ा जा सके। यहाँ की आयोजन कमेटी को जिन साथियों ने प्रोग्राम कराया था, मेहनत की, उन सबको भीम आर्मी के जो प्रदेश सचिव है, राजस्थान के अनिल देवाल भाई को, सत्यवान मेहरा जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, रामदेव बेरवाल जो संवाद बना रही है, मुकेश चोपड़ा जिला अध्यक्ष है, जोगेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष है गंगानगर के, शरवण जी, एडवोकेट दयाल भाटी जी, जेला राम जी जो पवन भाई के पिताजी हैं, सुमन जी मेघवाल महिला विंग अध्यक्ष है भीम आर्मी की, कविता बोध जी, रोहितार धानका जी, बलदेव सिंह बेगर जी, पवन जी, नक्कू जी, भगीरथ बारा पाले, सोनू बुटशेर जी, जयसिंह जी, अयूब खान जी, दीपक वाजपेयी जी, पवन कोच जी, पूरी चंद जी, एडवोकेट अमर जी, अमर सिंह जी, नायक जी, संजय पारूमल जी, ओम प्रकाश जी, संजय पवार जी, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह नायक जी,
अमित जी कालना, राजकुमार जी, शैलेंद्र जी, सुरेंद्र निराला जी, अर्जुन सिंह जी, मेरे साथ आए डॉक्टर दयाल सिंह जी, भाई रविंदर भाटी जी, संजय हरित जी, राजेश फौजी जी, संजय भाई और भीम आर्मी के क्रांतिकारी और मेरी दाहिनी बाजू भाई भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी और अन्य साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। उम्मीद है पूरी ईमानदार से बहुजन समाज के युवा इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमारे बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम आर्मी, आप लोगों के बीच से जाने के लिए चाहता हूँ।